हेलो फैमिली, मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आज मैं आपको दिखा रहा हूं 3 BHK अपार्टमेंट, रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट। लास्ट 2 इन्वेंट्री बची है रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे। तो अगर आप रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट रहाटनी लोकेशन में देख रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। देखो, स्क्रीन पे नंबर है, कॉल करो और आके विजिट करो। एंट्रेंस पे आपको एक अच्छी खासी गेट मिल जा रही है, ठीक है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। इसके बाद आ जाती है आपकी एंट्रेंस लॉबी। एग्जैक्टली ये आपकी लॉबी रहने वाली है। इसकी साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। साइज अच्छी है, अच्छा खासा इंटीरियर करके सूर्य वगैरह आप बना सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद जैसे आते हो ये है आपकी लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। आप एक बार प्लीज हमारे व्यूवर्स को दिखाएं लिविंग एंड डाइनिंग कितना बड़ा है। तो इतना बड़ा है आपका लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस। साइज बहुत अच्छी है, नीचे आप देख सकते हैं टाइल्स अच्छी लगाई गई है, ऊपर आपको POP किया गया है, ठीक है, एंड फिटिंग्स काफी अच्छे लगाए गए हैं। साइज की बात करूं तो आगे का जो सेक्शन है आप बना सकते हो लिविंग स्पेस। आपके आ जाएंगे सोफा, सेंटर टेबल एंड सामने आ जाएगी टेलीविजन, या तो आप वाइस वर्सा चेंज कर सकते हो। इस साइड में सोफा, सेंटर टेबल एंड टेलीविजन, डिपेंडिंग आपको क्या करना है। एंड यहाँ पे आ जाएगी आपकी डाइनिंग स्पेस। तो डाइनिंग के लिए भी जगह बताऊं तो काफी अच्छी है, आराम से 6 से 8 लोग यहाँ पे डाइनिंग में एडजस्ट हो जाएंगे। लिविंग के साथ आपको मिल रही है एक बालकनी, जो मैं आपको बालकनी दिखाना चाहूंगा। जब मैं वीडियो बनाने आया था तो इसका रिफ्लेक्शन मुझे लग रहा था, काफी अच्छी क्वालिटी की ग्लासेस लगाए गए, तो शायद वीडियो में ना दिखा पाऊं, बट आके देखेंगे तो विजिट करो, आके मैं आपको फिजिकली बताना चाहूंगा। तो ये है आपकी एक इसको आप टेरेस कह सकते हैं, जो आपकी लिविंग को लग के है। साइज काफी अच्छी है, अच्छे खासे लोग यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं। नीचे आप जो देख रहे हैं ये आपका ड्राइववे है और अच्छी खासी ऑथेंटिक सी रेलिंग आपको मिल जाती है। इसकी साइज मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं। अभी मैं करता हूँ इसको थोड़े टाइम के लिए क्लोज ताकि बाहर की आवाज ना आए और मैं आपको वीडियो अच्छी तरीके से दिखा पाऊँ। आइए, आपने देख लिया है तो अब मैं दिखाता हूँ आपका किचन पोर्शन, प्लीज कम। तो ये है आपके किचन, एल शेप में प्लेटफॉर्म, ऑथेंटिक ग्रेनाइट काउंटर टॉप के साथ अच्छी खासी चौड़ाई मिल रही है आपको, और ये काफी ऑथेंटिक ब्लैक कलर का होता है जो अब नहीं आते। अगर आपको मिल रहे हैं तो ये काफी अच्छा, ठीक है। नीचे आपका क्लोज कैबिनेट्स आ जाएगा, ऊपर क्लोज कैबिनेट्स आ जाएगा, एंड ये जो स्पेस देख रहे हो ये है आपके रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस, ठीक है। तो किचन की साइज ये है। इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपका यूटिलिटी सेक्शन, विच इज योर ड्राई बालकनी, प्लीज कम। अगर आप यहाँ पे आके देखते हैं तो ये जो सेक्शन है आपका, यहाँ पे वाटर के लिए प्रोविजन दिया गया है, पॉइंट स्टेप्स के लिए प्रोविजन दिया गया है। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपकी वॉशिंग मशीन, क्लॉथ हैंगर, एंड यहाँ पे आप जो रखना चाहो, बेसिकली जो भी क्लीन करने की चीजें होती है वो यहाँ पे आप यहाँ पे लगा सकते हो। दोनों साइड में आपको वाटर टैप के आपके प्रोविजंस मिल गए हैं, पॉइंट्स मिल गए हैं। तो आपको अगर वॉशिंग मशीन यहाँ पे भी लगाना है तो यहाँ पे लगा सकते हैं, वहां पे भी लगा सकते हैं, या तो दो भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आइए, अब मैं आपको दिखाता हूँ आपके बेडरूम सेक्शन को। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपका पैसेज एरिया। आप एक बार पैसेज अगर देखेंगे ना तो प्लानिंग बहुत अच्छी की गई है। प्लानिंग क्यों अच्छी की गई है ना, कि ज्यादा एरिया पैसेज में कंज्यूम नहीं किया गया। पैसेज में आप क्या ही कर सकते हो, कैनवास वगैरह लगा सकते हो, बट आपका वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है। तो पैसेज में आपको ज्यादा चीजें नहीं मिल रही तो वो काफी अच्छी प्लानिंग हो जाती है। आपका बेडरूम नंबर 1 ये आता है, इसके बाद आपका बेडरूम नंबर 2, बेडरूम नंबर 3, एंड ये आपका सामने कॉमन वॉशरूम, और इसमें ज्यादा एरिया कंज्यूम नहीं किया गया, विच इज वेरी गुड। नाउ अब मैं दिखाता हूँ आपका बेडरूम नंबर 1, प्लीज कम। तो ये है आपकी बेडरूम नंबर 1। साइज स्क्रीन पे दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। नीचे आपको जो टाइल्स लगाए गए हैं अच्छे हैं, डोर की कलर क्वालिटी टेक्सचर आप देख सकते हो बहुत अच्छी है, पॉइंट्स यहाँ पे भी हैं, इस साइड में भी हैं। तो बेड की प्लेसिंग आप वास्तु के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। वेंटिलेशन पर्पज से ऑलमोस्ट फुल लेंथ में आपको विंडोज दिए गए हैं, जो स्लाइडिंग डोर्स में है, 3 ट्रैक में, 2 ट्रैक में ग्लास डोर, 1 मॉस्किटो मैस विद सेफ्टी ग्रिल्स। बट यहाँ पे भी आप देखेंगे ना, काइंड ऑफ वेव विंडो बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है, आप यूटिलाइज कर सकते हो, आपके ऊपर है। यहाँ पे आपको चाहिए तो फ्लावर पॉट्स भी लगा सकते हैं, या ये आपकी जो सेफ्टी ग्रिल्स है इसको थोड़ा और पीछे कर सकते हो, तो आपको एरिया और ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली वो आपके प्लानिंग में एरिया नहीं है। अब मैं दिखाता हूँ इसका कॉमन वॉशरूम, जो इसके सामने आ रही है, बेडरूम नंबर 1 के सामने कॉमन वॉशरूम आ रही है, बट बाहर आपको मिल जाती है वॉश बेसिन, एक स्लैब है तो नीचे स्टोरेज बना सकते हो, और ये आपका एंड प्रोडक्ट है। इसमें सारी फिटिंग्स लगाई गई है, जैसा देख रहे हो वैसा ही मिलने वाला है। आइए, अब जैसे देख रहे हैं तो आ जाती है आपकी कमोड, एंड ये है आपकी शावर सेक्शन। यहाँ पे आप गौर करने वाली बात है कि आपको टाइल्स ऊपर तक लगाई गई है, तो इसकी वजह से आपको सीलिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, या बहुत हद तक कम होगी, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी डोर की कलर क्वालिटी टेक्सचर सेम है। फर्स्ट बेडरूम देख लिया, उसके बाजू में आती है आपकी सेकेंड बेडरूम, तो आइए प्लीज देख लीजिए।
ये है आपका सेकंड बेडरूम। साइज की बात करूं तो साइज मुझे काफी अच्छा लग रहा है। किंग साइज की बेड अगर आप लगाते हो उसके बाद भी आपको इनफ स्पेस बच जा रहा है जहां पे आप वार्डरोब लगा सकते हो। यहाँ पॉइंट से यहाँ पॉइंट से अगर मान लो यहाँ पे आपकी किंग साइज की बेड आती है तो यहाँ पे वार्डरोब लगा सकते हो। इफ यू वॉन्ट यहाँ पे वार्डरोब लगा सकते हो या तो आपको चाहिए यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक आपकी वार्डरोब आ सकती है। इट्स अप टू यू आप लगाना कहाँ चाहते हो। राइट हैंड साइड में अगेन यहाँ पे बताऊँ ऑलमोस्ट फुल लेंथ में विंडोज यहाँ पे भी है। तीन ट्रैक में, दो ट्रैक में ग्लास डोर, एक मॉस्किटो मैश विद सेफ्टी ग्रिल्स। ठीक है, साइज अच्छी है। अब मैं दिखाता हूँ इसका अटैच वॉशरूम। आइए प्लीज आजिए। अब जैसे अंदर आ रहे हो ना तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे एक स्लैब दिया गया है, एक अच्छी खासी वॉश मशीन आ रही है, फिटिंग्स प्रीमियम है, तो नीचे आप स्टोरेज बना सकते हो और मिरर वगैरह लगा के आप डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगी आपकी कमोड एंड ये है आपकी शावर सेक्शन। वेंटिलेशन पर्पज से विंडोज आपको यहाँ पे दे दी गई है, तो एक अच्छी प्रोडक्ट है ये आपके लिए। बस एक बात और मैं आपको गौर कराना चाहूंगा कि आपकी जो टाइल्स है ना ऊपर तक है, जो आपकी बेनिफिट के लिए, तो मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था। आइए अब मैं दिखाता हूँ आपका बेडरूम नंबर थ्री। आइए जैसे बेडरूम नंबर टू से निकलते हैं, इसके सामने आ रही है आपकी बेडरूम नंबर थ्री। आइए ये है आपका बेडरूम नंबर थ्री विच इज योर मास्टर बेडरूम। डिपेंड करता है आप इसको मास्टर बेडरूम बना सकते हो। साइज बहुत अच्छी लग रही है मेरे को। पॉइंट्स आप देख सकते हैं आपके सामने भी हैं, इस साइड में भी है, तो वास्तु के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे बेड की पोजिशनिंग कर सकते हो। अगर आप बेड सामने लगाते हो तो ये स्पेस बच जाता है, यहाँ पे आप वार्डरोब लगा सकते हो या यहाँ पे लगा सकते हो, डिपेंड आपको कहाँ लगाना है। इसके साथ में आपको मिल जाती है एक अटैच बालकनी, सॉरी अटैच टेरेस है ये, तो इसको आप मास्टर टेरेस भी कह सकते हैं या अटैच टेरेस भी कह सकते हैं। साइज मैं आपको इसकी स्क्रीन पे दे दूंगा। इनफ स्पेस है, आराम से 4 से 5 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, चिल आउट कर सकते हैं। ऑथेंटिक सी आपकी रेलिंग आ रही है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये आपका एंड प्रोडक्ट भी है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट है जहाँ पे सिर्फ लास्ट के 2 यूनिट बचे हुए हैं। इसके साथ आ रही है आपकी अटैच वॉशरूम। प्लीज का अब जैसे आते हो तो आपको पहले आ जाती है आपकी वॉश बेसिन, एक स्लैब है तो नीचे आप स्टोरेज बना सकते हो। यहाँ पे आ जाएगी आपकी कमोड एंड ये है आपकी शावर सेक्शन। अगर गौर करेंगे तो यहाँ की जो अंदर की जो टाइल की कलर टेक्सचर है वो थोड़ी अलग है, काफी अच्छी फीलिंग आती है क्योंकि आपको हर वॉशरूम में अलग फील मिल रहा है। यहाँ पे भी आपको टाइल्स ऊपर तक लगाई गई है तो आपकी सीलिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है 3 BHK अपार्टमेंट, 1142 का कारपेट, एग्जैक्टली 1142 का कारपेट, 1,40,00,000 रुपए में। बहुत ही अच्छी अपार्टमेंट है, प्राइस बहुत अच्छा है, स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, जाइए कॉल करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।